डिस्कस करेंगे। देखो हमारा प्लान तो ये था कि इन बॉडीज को हम अलग से वीडियोस में डिस्कस करें ताकि रिवाइज आसानी से हो सके लास्ट में, जो कि एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा था क्योंकि अलग से वीडियोस बनाने में एक तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है और बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए कि टाइम नहीं है हमारे पास, हमको लास्ट में रिवाइज करना है, इसलिए प्रीलिम बूस्टर की वीडियोस में ही आप बॉडीज को ऐड कर दीजिए। तो एक चीज़ देखो ये हो सकता है कि हम प्रीलिम बूस्टर की वीडियोस में ही इन बॉडीज को डाल दें, लेकिन पीडीएफ मैं आपको इस प्रकार से प्रोवाइड कर सकूं कि एक मिनिस्ट्री की बॉडीज सारी की सारी एक ही पीडीएफ में, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। मेरे हिसाब से देखो चाहे बेसिक ये एफिशिएंट या फिर इफेक्टिव तरीका ना हो, लेकिन प्रैक्टिकल है, कम से कम हम कंप्लीट तो कर पाएंगे। दूसरे तरीके से चीज़ें रह जाएंगी, लेकिन टारगेट तो यही है ना, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस के हिसाब से अपना जो पुराना तरीका है डेली प्रीलिम बूस्टर की वीडियोस में कुछ बॉडीज को डिस्कस करना, उसी तरीके पे हम लौटते हैं ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए। तो देखो आज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव है आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना, प्रिजर्व करना। ये लिस्ट देख लीजिए एक बार, ये बॉडीज आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, संगीत नाटक एकेडमी, साहित्य एकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ललित कला एकेडमी, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग यानी CCIT जिसकी बुक आप पढ़ते हो। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, नीचे ये सब कुछ लिखा हुआ है। देखो सारी की सारी बॉडीज या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम आपको पता होना चाहिए कि ये बॉडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। सब कुछ कवर करके फायदा नहीं है, मैं आपको 80-20 का रूल बताता हूँ। आपने सुना होगा 80-20 के रूल के बारे में। देखो कोई भी काम आप करते हो 20% एफर्ट्स लगाने से उस काम में आपको 80% प्रोडक्टिविटी हासिल होती है। सिंपल से सिंपल कोई भी काम मान लीजिए, आपके देखो मान लीजिए 100 दोस्त हैं, लेकिन 100 में से 20 दोस्त ऐसे होंगे जिनके साथ रियल में टाइम बिताना आपको अच्छा लगता होगा, यानी 80% जो हैप्पीनेस आपको मिलती होगी वो 20% दोस्तों से मिलती होगी। आप किसानों की बात कर लीजिए, किसान अपनी फसलें उगाता है, किसान जो 20% एफर्ट्स लगाता है टोटल एफर्ट्स में से, उन 20 एफर्ट्स में से किसान को 80% प्रोडक्टिविटी हासिल होती है। और सेम रूल हम पर भी एप्लीकेबल होता है, हम पढ़ाई करते वक्त 20% हमारे जो टोटल एफर्ट्स में से 20% जो एफर्ट्स हैं वो 80% मार्क्स हमें लाकर देते हैं। कहने का एसेंस आप समझ गए होंगे, यानी अगर हम 20% सिलेबस पर फोकस करें तो उस 20% सिलेबस से हम 80% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। कई बार देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर UPSC ने एक क्वेश्चन पूछ लिया कुछ टेढ़ा, मान लीजिए कुछ नेशनल पार्क के बारे में पूछ लिया, देखो अच्छी बात है नेशनल पार्क को कवर करना, लेकिन सारे के सारे 115 नेशनल पार्क के बारे में हर एक चीज याद रखना या फिर 600 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में हर एक चीज याद रखना वो मुमकिन नहीं है। आपको फायदा तो होगा, हो सकता है कि दो क्वेश्चन UPSC पूछे, दो के दो क्वेश्चन आपके ठीक हो जाए, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट कितना होगा? इतने टाइम को तो आप इन्वेस्ट कर सकते थे करंट अफेयर्स को स्टडी करने में या फिर पॉलिटी को स्टडी करने में। देखो UPSC करंट अफेयर्स में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछती है वो इस प्रकार से पूछती है, या तो आपको आता है या नहीं आता है। अगर आप पढ़ के गए हो तो ज्यादातर 80-90% जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं आप ठीक कर दोगे, और पॉलिटी में अगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आपके क्वेश्चंस को ठीक करने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि UPSC क्वेश्चन पूछती ही पूछती है पॉलिटी से और सिंपल क्वेश्चंस पूछती है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब आपको 20% सिलेबस ऐसा रिकॉग्नाइज करना होगा जहां से आपकी प्रोडक्टिविटी 80% आ सके, यानी जहां से 80% क्वेश्चंस आ सके। अगर ये 20% सिलेबस, अगर ये 20% एफर्ट्स आप अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर आप प्रीलिम में कर सकते हो। तो बॉडीज हम डिस्कस कर रहे थे, ये कुछ स्कीम्स भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, जैसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज स्कीम फॉर कल्चरल हेरिटेज यूथ लीडरशिप प्रोग्राम, डिस्कस करेंगे ये सब हम। अभी फिलहाल सबसे पहली जो बॉडी हम डिस्कस कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर वो है ललित कला एकेडमी। ललित कला एकेडमी को एस्टैब्लिश किया गया था 1954 यानी 1954 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, रीजनल सेंटर्स भुवनेश्वर, चेन्नई, कई जगह पे हैं, कोलकाता, लखनऊ, शिमला। देखो काम ये है ललित कला एकेडमी का, ललित कला यानी फाइन आर्ट्स को प्रमोट करना। फाइन आर्ट्स जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, ये सब चीजें आती हैं ललित कला में। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑटोनोमस बॉडी है, नोडल एजेंसी है फाइन आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि देश के बाहर भी। फंक्शंस देख लीजिए एक बार ललित कला एकेडमी के। ललित कला के क्षेत्र में यानी फाइन आर्ट्स जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स के क्षेत्र में स्टडी और रिसर्च को प्रमोट करना,
विभिन्न रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, जैसे विभिन्न स्टेट्स में अपनी अपनी जो उनकी ललित कला एकेडमी है उनकी एक्टिविटीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, ललित कला के क्षेत्र में एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना, स्कॉलरशिप, स्पॉन्सरशिप, फेलोशिप, असिस्टेंस स्कीम्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, डॉक्यूमेंट्री मटेरियल, इन सबको पब्लिश करना ललित कला के क्षेत्र में। 3 साल में एक बार इंटरनेशनल एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज करती है ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली में, 3 साल में एक बार होता है ललित कला के क्षेत्र में। और इसके अलावा नेशनल एग्जीबिशन ऑफ फोटोग्राफी एंड आर्ट, इसको भी ऑर्गेनाइज करती है ललित कला एकेडमी। यूपीएससी पूछ सकती है कि नेशनल एग्जीबिशन ऑफ फोटोग्राफी एंड आर्ट को कौन ऑर्गेनाइज करता है, ललित कला एकेडमी, साहित्य एकेडमी या फिर नाटक संगीत एकेडमी। इस प्रकार से 3-4 ऑप्शन आ सकते हैं। और सबसे लास्ट में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स डिफरेंट कंट्रीज के साथ ऑर्गेनाइज करती है ललित कला एकेडमी। अगली बॉडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को शुरुआत में इस्टेब्लिश किया गया था 1959 में संगीत नाटक एकेडमी के एक प्रीमियर थिएटर इंस्टीट्यूट के तौर पर, लेकिन 1975 में यानी 16 साल बाद इंडिपेंडेंट स्कूल बन गया सिनेमा का यानी थिएटर का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। शुरुआत में तो देखो संगीत नाटक एकेडमी के एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन 1975 में एक इंडिपेंडेंट स्कूल बन गया। ट्रेनिंग दी जाती है थिएटर में इस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लेकिन रीजनल रिसोर्स सेंटर पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1959 में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने संवेदना मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने क्राइम फ्री जोन के बारे में डिस्कस किया, दीयू के बारे में हमने डिस्कस किया, पहली यूनियन टेरिटरी और ओनली यूनियन टेरिटरी जो 100% सोलर एनर्जी एफिशिएंट बन गई है, एशियाटिक लाइन के बारे में हमने डिस्कस किया, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने बॉडीज डिस्कस की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। ये थी हमारी आज की डिस्कस।